आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने हिरासत में लिया, बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेठी में अजय कुमार लल्लू को लिया गया हिरासत में। गांधी चौक के पास धरने पर बैठे थे अजय लल्लू, पुलिस कार्यकर्ताओं को लेकर पुलिस लाइन के लिए रवाना। हिरासत के बाद कांग्रेसियों और पुलिस में झड़प, रास्ते में पुलिस और कार्यकर्ताओं में हुई नोकझोंक। दलित किशोरी के घर मिलने जा रहे थे अजय कुमार लल्लू। अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने हिरासत में लिया, बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेठी में अजय कुमार लल्लू को किया गया गिरफ्तार। गांधी चौक के पास धरने पर बैठे थे अजय कुमार लल्लू, पुलिस कार्यकर्ताओं को लेकर पुलिस लाइन के लिए रवाना। हिरासत के बाद कांग्रेसियों और पुलिस में झड़प। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आखिर किस वजह से अजय कुमार लल्लू को हिरासत में लिया गया है? जी शिखा, आज से दो दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक दलित बच्ची को बहुत ही बेरहमी के साथ कुछ लोगों के द्वारा लाठियों से पीटा जा रहा था उसके पैर पर। इसको देखते हुए वीडियो वायरल होता है और ये वीडियो अमेठी का है। तो आज उस जो पीड़ित बच्ची है उससे मिलने अजय कुमार लल्लू उसके घर जा रहे थे, तो इसी दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और आपको बता दें कि जो इस क्रूरता को करने वाला आदमी है वो राजेश अग्रहरी, या आप राजेश मसाला उस राजेश मसाले के नाम से, वो एक फैक्ट्री भी चलाता है, मसाले की फैक्ट्री भी चलाता है, उसका करीबी माना जाता है। और कांग्रेस की तरफ से इस पे उसके ट्विटर आईडी पे पोस्ट डालते हुए कहा गया है कि राजेश अग्रहरी स्मृति ईरानी का करीबी है। तो यही सब सवाल खड़ा करके और कांग्रेस की तरफ से मिलने जा रहे थे अजय कुमार लल्लू, इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्त में लेकर और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब देखना होता है कि अजय कुमार लल्लू को कब रिलीज किया जाएगा। जी, तो अब आगे पुलिस क्या कार्रवाई करने वाली है? जितने भी कार्यकर्ताओं को पुलिस लेकर गई है और पुलिस के साथ जिन भी कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हुई है, तो उनपे क्या कार्रवाई होगी? अब ऐसे में यही माना जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष है लल्लू, तो उनको वहां से निकाला जाएगा जिससे शांति भंग ना हो। और अगर देखा जाए तो अजय कुमार लल्लू उस किशोरी से मिलने जा रहे थे जिसका वीडियो वायरल हो रहा था, लाठियों डंडों से पीटा जा रहा था। तो इसी को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है कि कुछ मामला ना बिगड़ जाए, कुछ ऐसी घटनाएं ना हो जाए। अब देखना होगा कि उन्हें कब छोड़ा जाएगा। वैसे खास तौर पे ऐसे मामलों में मामला ठंडा करके छोड़ दिया जाता है। जी विभाष, इस गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? कांग्रेस के तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है कि आखिर दलित जो बच्ची थी उससे अजय कुमार लल्लू अगर मिलने जा रहे हैं तो क्या मुसीबत आ जाती। मगर पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें गिरफ्त में ले लिया गया और पुलिस प्रशासन का कहना है कि इससे शांति भंग हो सकती थी, इसी के वजह से हम उन्हें गिरफ्तार कर लिए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, धान खरीद नहीं होने से किसानों का गुस्सा फूटा, बड़ी खबर सामने आ रही है। नाराज किसानों ने नवीन मंडी के सामने NH2 को किया जाम, हाईवे के दोनों तरफ 3 किलोमीटर तक लगा जाम। बिचौलियों के खिलाफ किसान कर रहे नारेबाजी, बड़ी खबर सामने आ रही है। जाम की सूचना पर SDM सदर स्थानीय पुलिस भी पहुंची, जाम खुलवाने में पुलिस को करनी पड़ी काफी मेहनत। तस्वीरें देख सकते हैं आप, जिला मुख्यालय स्थित नवीन मंडी के पास का मामला। चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, धान खरीद नहीं होने से किसानों का गुस्सा फूटा, बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, कितनी भीड़ नजर आ रही है। नाराज किसानों ने नवीन मंडी के सामने NH2 को किया जाम, हाईवे के दोनों तरफ 3 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता अजीत पाठक जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या है पूरा मामला, कितने लोगों की भीड़ नजर आ रही है? मैम आपको हम बता दें कि लगभग 2 घंटे से जाम NH2 हाईवे पर लगा था और लगभग नवीन मंडी के ठीक सामने ही कुछ किसान पूरे हड़ताल पर बैठ गए थे। उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है और टोकन न मिलने पर डिप्टी RMO से कल लड़ाई भी हुआ था इस बात पर, जिसके कारण से कुछ किसान आक्रोश में आके सीधा नेशनल हाईवे को जाम कर दिए। और जिस मौके पर पहुंचे वहाँ के सदर CO पहुंचे वहाँ पर, समझा बुझा कर कुछ लोग को शांत वहाँ पर कराए मामले को, आवागमन चालू हो गया वहाँ पर।
जी अजीत, हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है जो धान की खरीद नहीं हो पा रही है, क्या वजह बता रहे हैं अधिकारी? मैम, जो अधिकारी वहाँ पर डिप्टी आरओमओ है, वहाँ पर सब लोग वहाँ पर नहीं है, फरार हो चुके हैं। और कितनी भी जहाँ पर धान क्रय केंद्र जो प्रभारी वो भी फरार हो चुके हैं, और जहाँ पर धान बिकाता है वो इसमें बंद कर दिया गया, इसमें खरीदारी नहीं हो पा रहा, जिसके कारण से किसान आक्रोश में आके आज उनकी बात नहीं मानेगी, जिसके कारण से आज नेशनल हाईवे पर स्वयं बैठ के वहाँ पर धरना दिए। जी अजीत, ये जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, अब इसके बाद पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, कैसे रास्ता खुलवाया जाएगा? मैम, पुलिस द्वारा यही कार्रवाई की है कि सदर के एसडीएम और वहाँ पर सीओ पहुँचे और किसानों को समझाया बुझाएं, और कल तक का मोहलत दिया गया है, जिसके बाद किसान वहाँ से प्रदर्शन को अपने हटाएं और आवागमन चालू हो चुका है। जी, तो किसानों का क्या कहना है इस मामले पे, जिस तरह से उनका गुस्सा फूटा है, अब वो क्या वहाँ से जाने के लिए तैयार है या फिर अपनी मांगों को मनवा रहे हैं? अभी जाने के लिए कुछ किसान वहाँ पर पूरे हट गए हैं, आवागमन चालू हो गया है, और कुछ किसान अभी मान नहीं रहे, बाकी तब भी वहाँ पर पुलिस सब लोग को मना के शांतिपूर्वक अभी करी आवागमन चालू हो चुका है, नेशनल हाईवे चालू हो चुका है, कल तक का मोहलत दिया गया, उसके बाद क्या होता है आगे देखा जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अजीत पाठक जुड़े थे। अयोध्या में कोरोना की दस्तक, बड़ी खबर सामने आ रही है, जज के पति हुए कोरोना पॉजिटिव, विदेश यात्रा करके लौटा है दंपत्ति, होम आइसोलेशन में है जज, ओमिक्रॉन की जांच के लिए सैंपल जाएगा लखनऊ, सीएमओ डॉक्टर अजय राजा ने की पुष्टि। अयोध्या में कोरोना की दस्तक, बड़ी खबर सामने आ रही है, जज के पति हुए कोरोना पॉजिटिव, विदेश यात्रा करके लौटा है दंपत्ति, होम आइसोलेशन में जज, ओमिक्रॉन की जांच के लिए सैंपल जाएगा लखनऊ, सीएमओ डॉक्टर अजय राजा ने की इसकी पुष्टि। अयोध्या में कोरोना की दस्तक हो चुकी है, जज के पति कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, दोनों दंपत्ति विदेश यात्रा करके लौटे हैं, जिसके बाद संक्रमित जज के पति आइसोलेशन में है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।